गरीबी इंसान को कहां से कहां ले आती है, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं कुछ रुपयों के लिए। इसी विषय पर आज हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किन किन मुश्किलात से ये गुजर रहे हैं, कैसे ये अपना अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कैसर जी, कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम ज्वेलरी आइटम बेचने के लिए। तो कितना कमा लेती हैं दिन का दीदी? ऐसे कभी तो बोनी होता है, कभी नहीं होता है, कभी काम निकल भी जाता है, कभी नहीं भी होता है। एक एक पैसे से तरसता है दीदी, कुछ धंधा नहीं है हमारा बिल्कुल। लॉकडाउन से पहले धंधा ठीक था आपका? पहले ठीक था, पर अब भी बिल्कुल ही मुसाफती है। हमारा बच्चे का पेट भरना मुश्किल है। देखो, हम एक एक पैसे से तरस रहे इस टाइम पे। हमको कभी खाना मिलता है टाइम से, कभी खाना भी नहीं मिल सकता टाइम से। देखो, पता नहीं कोरोना की वजह से पता नहीं अब काम चलेगा नहीं भी चल सकता है, कोई पता नहीं है ना इस काम। हम कैसे बोल दे भाई काम चलता है, हमारा काम इस टाइम पे नहीं हो रहा है तो हम मना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। आगे का कोई पता नहीं है। देखो, हो भी जाए नहीं भी होना चाहिए, ये कोई पता नहीं होता ना दीदी। मेरे पास दो बच्चे हैं, दो लड़की है मेरे पास, आदमी भी है। औरत है तो कितनी मुश्किल आती है आपको ऐसे? बहुत ही मुश्किल आती है, बहुत ही। इतना परेशान हो जाते हैं दीदी, हद नहीं है हमारा। इतना परेशान रहते हैं, गरीब आदमी क्या करे, किसको बोले हम, किसको बोले, किसी को नहीं बोल सकते। कोई गरीब आदमी की मजबूरी भी नहीं समझते ना, बात ये है। यहाँ पेट पालन करने के लिए आया, धंधा पानी करने के लिए। हमारा राजस्थान में क्या है, कुछ भी नहीं है, बारिश नहीं है, खेती सूखी पड़ी है, कुछ खाने का नहीं है। तो इधर आके दिहाड़ी वाड़ी लगाते हैं तो जभी तो पेट पालन करेंगे ना। अब कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? हो जाता है 300-400, कभी बोनी भी नहीं होती है। एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। आपके बच्चे भी यही काम करते हैं? हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं। आपने उनको पढ़ाई की तरफ नहीं भेजा? दीदी पढ़ाई, कितनी हिम्मत नहीं था देखो पढ़ना, पढ़ाने का हिम्मत ही नहीं है। देखो किधर से पढ़ाएंगे बच्चे, बच्चे बड़े भी हो गए मेरे, पढ़ने वाला आ गया। आपका नाम? सीता। हम राजस्थान से हैं। तो काम कैसा चल रहा है अभी इस टाइम? काम नहीं चल रहा है दीदी, सुबह से बैठे हैं, बोने नहीं किया अभी तक। तो बच्चे को भी संभालते हैं, दुकान भी संभालते हैं, ले जाते हैं 500-600 रुपये आराम से ले जाते हैं, पेट गुजारा तो करना पड़ता है बच्चे का। सुकुमार कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से क्या करते हो यहाँ पर? चिड़िया बेचता हूँ। चिड़िया बेचते हो तो पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई नहीं करता हूँ, पढ़ने का मेरा बहन है ना, उसको लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, कम उसका शादी देना है इसीलिए। अच्छा, अपनी बहन की शादी करने के लिए कमा रहे हो। तो ये थे कुछ वो लोग जो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर की ओर आए हैं कि उनका ही नहीं उनके परिवार का भी गुजर बसर हो सके। हर दिन यही उम्मीद से ये मार्केट में आते हैं कि शायद आज कुछ रुपए और मिल जाएंगे। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।